धार जिले के धामनोद नगर में पुलिस थाने पर बुधवार को शाम 5 बजे पुलिस और नगर के प्रबुद्ध जनों एवं वरिष्ठों के साथ मिलकर शांति समिति की बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहारों जैसे नवरात्र महोत्सव और दशहरा महोत्सव को लेकर के आयोजन इस बैठक का किया गया था। बैठक के दौरान धामनोद SDOP राहुल खरे एवं थाना प्रभारी राजकुमार यादव द्वारा समाजजनों से आग्रह किया गया कि त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, परंतु कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाना है। जहां पर गुरुवार से नवरात्र महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे लेकर नगर में जहाँ भी दुर्गा उत्सव समितियाँ हैं, उन्हें पूरी सावधानी के साथ अपने अपने पांडाल निश्चित साइज के अनुसार ही सजाना है। मूर्तियों का साइज भी छोटा ही रखना है। गरबा नृत्यों में उसी मोहल्ले की बालिकाएं एवं महिलाएं गरबा कर सकती है, अन्य स्थान की बालिकाएं एवं महिलाएं शामिल नहीं होंगी। छोटे आयोजन ही करें, ज्यादा बड़े आयोजन जैसे कंपटीशन करने जैसे आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। म्यूजिक की सुविधा के लिए हर पंडाल में 2 स्पीकर बॉक्स ही रखे जा सकेंगे। रात्रि 10 बजे तक सभी आयोजन बंद करने होंगे। सर, आज धामनोद थाने पर शांति समिति की बैठक रखी गई थी, किस संदर्भ में की गई थी? कल से नवरात्र चालू हो रही है, इसमें समाज द्वारा मूर्ति की स्थापना की जाती है। उसमें शासन द्वारा जो गणेश जी स्थापना में गाइडलाइन दी गई थी, सेम यथावत गाइडलाइन को रखा गया है। कोविड-19 की शर्तों का पालन करते हुए अपने मूर्ति की स्थापना के इस संबंध में आज शांति समिति की बैठक ली गई। सर, इसमें आवश्यक क्या क्या निर्देश दिए गए? इसमें चल समारोह को शासन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और धार्मिक स्थल में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को नहीं रहना है, मैक्सिमम 5 लोग को रहना है। और जो गणेश जी जिस तरह से स्थापना की गई थी गणेश जी कार्यक्रम में, सेम नियमों को। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए धामनोद से गोलू मेवाड़ी की रिपोर्ट।